तो गाइस स्वागत है आप लोगों का एक और नए वीडियो में। तो गाइस आप लोगों के भारी डिमांड के कारण गाइस ये वीडियो में बना रहा हूँ। तो आप लोगों को देखिए बहुत लोगों ने कमेंट किया कि भाई मेरा अकाउंट अनलॉक कर दो, भाई मेरा अकाउंट अनलॉक कर दो। तो आप लोग बताओ मैं कितने लोगों का अकाउंट अनलॉक करूँ। तो चलिए आज की इस वीडियो में आप लोगों को बता ही देता हूँ कि किस तरह से अकाउंट अनलॉक करना है और कैसे करना है। गाइस सब कुछ आप लोगों को बताऊंगा, तो आप लोगों को ये वीडियो पूरा वॉच करना है। देन गाइस आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैं किस तरह से अकाउंट अनलॉक करता हूँ, आप लोग भी कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम वीडियो को करते हैं स्टार्ट एंड आप लोगों को बताते हैं कि किस तरह से आप लोगों को अपना अकाउंट अनलॉक करना है अगर आप लोगों में कंफर्म योर आइडेंटिटी वाला प्रॉब्लम आ रहा है तो। बट हाँ, उससे पहले अगर आप लोग हमारे YouTube चैनल पे नए हो, अगर आप लोग पहली बार आए हो चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बार को ऑल पे सेट कर लेना ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो आपको मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं एंड आप लोगों को बताते हैं। तो गाइस यहाँ पर हम अपने मोबाइल की स्क्रीन की तरफ आ चुके हैं। गाइस सबसे पहले गाइस आप लोग यहाँ पर देखिए हम एक फेसबुक अकाउंट लॉगिन कर लिए जो कि हमारे सब्सक्राइबर का अकाउंट है। गाइस तो यहाँ पर हम फेसबुक ओपन करते हैं। गाइस तो यहाँ पर हम फेसबुक ओपन कर लिए। गाइस तो गाइस फेसबुक ओपन करने के बाद हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। आप लोग यहाँ पर नाम चेक कर लीजिए एंड यहाँ पर इस अकाउंट का लॉक डेट आप लोग चेक कर लीजिए। गाइस एंड यहाँ पर हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं। गाइस जैसे ही हम गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं गाइस आप लोग देखिए हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। यहाँ पर हम नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं गाइस एंड उसके बाद गाइस आप लोग देख लीजिए यहाँ पर कंफर्म योर आइडेंटिटी एंड एंटर योर बर्थडे का ऑप्शन आ रहा है गाइस। लेकिन यहाँ पर हमारे पास ना तो आईडी है ना तो डेट ऑफ बर्थ हमको मालूम है। फिर इस कंडीशन में हम इस अकाउंट को अनलॉक कैसे करेंगे गाइस आप लोगों को बताएंगे। तो गाइस इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है हमको एंड गाइस यहाँ पर इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना है। देन इस अकाउंट को अपने फोन से लॉग आउट कर देना है। गाइस मैंने पहले से स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो चलिए इस अकाउंट को रिमूव करते हैं। तो जैसा कि गाइस आप लोगों ने देखा कि हमने अकाउंट को लॉग आउट कर दिया है। तो सबसे पहले गाइस अब हमने दूसरा अकाउंट लॉगिन कर लिया है एंड यहां पर अकाउंट ओपन करते हैं जो अकाउंट हमने लॉगिन किया। गाइस हमारा अकाउंट है, हमने उस अकाउंट को लॉगिन कर लिया एंड यहां थ्री डॉट पे क्लिक करते हैं। तो जैसे ही थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। गाइस नीचे के साइड में स्क्रॉल करना है, नीचे के साइड में स्क्रॉल करने के बाद गाइस हेल्प एंड सपोर्ट पे क्लिक करना है गाइस एंड यहाँ पर रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे क्लिक करना है। रिपोर्ट ऑफ प्रॉब्लम पे क्लिक करने के बाद गाइस यहाँ पर कंटिन्यू टू रिपोर्ट पे क्लिक करना है एंड उसके बाद गाइस हमारे सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। गाइस यहाँ पर हमको इंक्लूड इन रिपोर्ट पे क्लिक करना है गाइस एंड यहाँ नीचे की साइड में स्क्रॉल करना है एंड यहाँ पर प्रोफाइल पे क्लिक करना है गाइस एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर इस फोटो को कट कर देना है गाइस एंड यहाँ पर आप लोगों को कुछ लिखना है। हम लिखकर आप लोगों को बता देते हैं क्या क्या लिखना है गाइस। तो गाइस आप लोग देख लीजिए आप लोगों को यही लिखना है गाइस, आप लोगों को मैं लिखकर बता दिया हूँ गाइस एंड आप लोगों को ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा गाइस, आप लोग वहाँ से कॉपी कर लेना। अगर आप लोगों को कॉपी करना नहीं आता तो आप लोग कमेंट जरूर कर देना गाइस। यहाँ से हम इसको कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद गाइस वहाँ पर हम उसको पेस्ट कर देते हैं। तो कॉपी कर लिया हमने गाइस एंड यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। यहाँ पर पेस्ट करने के बाद गाइस इसमें हमको ईमेल नेम और यूजर नेम सब कुछ डालना पड़ेगा। यहाँ पर गाइस हमने आईडी पासवर्ड डाल दिया है गाइस एंड यहाँ पर आईडी मेस पे क्लिक करेंगे गाइस। आईडी मेस पे क्लिक करने के बाद गाइस हम पहले गेट स्टार्टेड वाले पेज का स्क्रीनशॉट ऐड करेंगे एंड उसके बाद कंफर्म योर आइडेंटिटी वाले का। तो यहाँ पर गाइस हमने दोनों स्क्रीनशॉट ऐड कर दिए हैं गाइस एंड उसके बाद गाइस यहाँ पर आप लोगों को कुछ नहीं करना है। तो गाइस जो ये आपने लिखा इसको पूरा कॉपी कर लेना गाइस अभी और ये आपको काम आएगा। मैंने कॉपी कर लिया एंड उसके बाद यहाँ पर सेंड पे क्लिक कर देते हैं एंड उसके बाद गाइस हमारा अकाउंट का जो ऑप्शन है वो चेंज हो जाएगा। कम से कम 48 घंटे का टाइम तो लगेगा गाइस। अगर गाइस आपका ऑप्शन उससे भी नहीं चेंज होता है तो आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर प्ले स्टोर ओपन करना है एंड गाइस यहाँ पर सर्च बार में सर्च करना है फेसबुक। तो हम सर्च कर लेते हैं फेसबुक। तो यहाँ पर देखिए फेसबुक सर्च करने के बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, इस पर टैप कर देना है एक बार एंड यहाँ पर गाइस नीचे के साइड में स्क्रॉल करना है, यहाँ डेवलपर कॉन्टेक्ट पे क्लिक करना है एंड यहाँ ईमेल पे क्लिक कर देना है एंड जैसे ही आप ईमेल पे क्लिक करेंगे गाइस आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा। गाइस आपने जो कॉपी किया था यहाँ पर पेस्ट कर देना है एंड पेस्ट करने के बाद गाइस आप लोगों को कुछ भी नहीं करना है गाइस, आप लोगों को यहाँ पर वही फोटो ऐड करना है, अटैच फाइल पर क्लिक करना है। यहाँ पर देखो गाइस हमने दोनों फोटो ऐड कर दिया एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया एंड यहाँ पर हम को कुछ नहीं करना है, सिंपली से सेंड कर देना है, काम खत्म। अब आपका 100% अकाउंट अनलॉक हो जाएगा गाइस। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बार को ऑल पे सेट कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।